आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सादर प्रणाम नवादा वासियों की तरफ से। मैं गुलशन कुमार जी, नवादा जिले का रहने वाला हूं। मैं एक बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ साथ भाजपा का कार्यकर्ता हूं। महोदय, मैं आपसे बात करके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूं, जिनका मेरे कहने से मोदी मींस मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। महोदय, मैं आपका और हमारे स्थानीय सांसद माननीय श्री गिरिराज सिंह जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिनके अथक प्रयास से नवादा जिले के आजादी के लगभग 70 साल बाद यहां केंद्रीय विद्यालय शिक्षा के जगत में, चाहे बात रेलवे की हो, डबलिंग की हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की हो, चाहे बात फोरलेन की हो, चाहे बात, यहाँ एक खनवा गांव है महोदय, जहाँ सोलर चरखा के जरिए माननीय मंत्री जी के अथक प्रयास से महिलाओं लोग को रोजगार दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ खनवा में वाईफाई एनेबल किया गया है। मैं आपका और आपके मंत्री एवं हमारे मंत्री सांसद महोदय श्री गिरिराज सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, मेरा प्रश्न, आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज हम करोड़ों कार्यकर्ता, आप हम सभी के कार्यकर्ता के लिए आदर्श एवं प्रेरणा है। कृपया आप हमें बताएं कि भाजपा के कार्यकर्ता का आचरण कैसा होना चाहिए, जिससे कि हम पार्टी के साथ साथ देश को सशक्त बना सके। धन्यवाद महोदय। देखिए गुलशन जी, और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा दल उन लाखों दिलों से बना हुआ है, लाखों दिलों से जुड़ा हुआ है। कार्यकर्ता की भूमिका बदलती है, उसका काम वही रहता है। आप जो आप कर रहे हैं वही काम मैं कर रहा हूं, और आपने देखा होगा कि मैं देश भर में आप सभी से, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करता हूं। ये इसलिए होता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही से हो। सिर्फ योजना बनाई, ऐलान किया और फिर भूल गए, ऐसे काम नहीं चलता। आज भाजपा करोड़ों समर्पित कार्यकर्ताओं की देशव्यापी पार्टी है। केंद्र के साथ साथ देश भर में अनेक राज्यों में भाजपा की सरकार है। भाजपा के विजन, उसकी विश्वसनीयता को, उसके राष्ट्रपति के प्रति समर्पण को देश ने अभूतपूर्व समर्थन दिया है। संगठन की शक्ति परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना निरंतर पुरुषार्थ, निरंतर संघर्ष का रास्ता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण भविष्य के लिए भी हमारा उत्तम से उत्तम यही मार्ग है। हमारी सक्रियता स्वप्रेरणा से आनी चाहिए, कोई पद हमको न कहीं काम करने के लिए प्रेरित करे। मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा, ये करूंगा तो ये मिलेगा, जी नहीं, मैं ये करूंगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा, मैं करूंगा तो किसी की जिंदगी बदलेगी। इससे जो संतोष मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब हमारा संघर्ष जनता से प्रभावी संवाद का है, जन जन की समस्या के लिए काम करने का है। अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से सीख लेकर के आगे बढ़ने का है।